गाइस तो गाइस बहुत दिनों से व्हाट्सएप की ट्रिक्स और टिप्स के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई, तो इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की कुछ कमाल की ट्रिक्स और टिप्स दिखाने वाला हूँ, जो कि कुछ कुछ आप लोगों को मालूम होगी बट कुछ कुछ आप लोगों को नहीं मालूम होगी। तो चलो यार देखते हैं व्हाट्सएप के मसालेदार धुआंदार। और चलो सबसे पहली ट्रिक है गाइस, आप अगर किसी को भी फोटो भेज रहे हो और आप चाहते हो कि उस फोटो को कस्टमाइज़ करना, तो आप बड़े ही आराम से उस फोटो को कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसमें चाहे तो इमोजी लगा सकते हो या फिर कुछ भी अपने मन से जो भी मन चाहे वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल है ये फ़ोटो भेज रहा हूँ, तो मैं इसे कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे चेहरा लगा रहा हूँ, इमोजी लगा रहा हूँ इसे चेहरे पे, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक कमेंट बॉक्स टाइप का लगा रहा हूँ ताकि लगे कि वो कुछ बोल रहा है। और यहाँ मैं अभी टाइप करूँगा कुछ भी टेक्स्ट, चलो यू टाइप करके देखते हैं। तो मैंने अभी यू टाइप किया और मैं इसे एक सेकंड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो दिखने में काफ़ी फंकी और काफ़ी कूल लग रहा है। अगर आप किसी को भेजे तो बड़े आराम से किसी को भेज भी पाओगे और सोचेगा वाह यार इतनी बढ़िया लग रही है, मतलब काफ़ी कूल लग रही है। तो आप किसी को भी बड़े आराम से ऐसे बना के भेज सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। मूव करते हैं अपनी सेकेंड ट्रिक पे। तो सेकेंड ट्रिक भी कुछ सिमिलर ऐसी हैं। अगर आपको कोई भी इमेज किसी को सेंड करनी है और ऊपर पेंसिल की तरफ आप देख सकते हो कि पेंसिल का बार काफ़ी छोटा है, अगर आप उसको बड़ा करना चाहते हो फिर छोटा करना चाहते हो तो फिर आप नहीं कर सकते। बट अगर आप उस पर क्लिक करके कोई भी कलर पर टाइप करके लेफ़्ट स्वाइप करोगे बेसिकली, तो आप उसके थिकनेस को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। बेसिकली इस ट्रिक का यूज़ करके आप पेंसिल की थिकनेस को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। अगले ट्रिक में आप बेसिकली किसी भी बंदे को प्राइवेट मैसेज भेज सकते हो, इवन दो वो बंदा किसी ग्रुप में मैसेज किया हो आपको, तो फिर आप उस ग्रुप के मैसेज को उस बंदे को प्राइवेटली रिप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो करना ये होगा कि आपको उस बंदे की जो भी मैसेज है उसको सेलेक्ट करना होगा, ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करके रिप्लाई प्राइवेटली पे क्लिक करके आप उसे प्राइवेट मैसेजेस भेज सकते हो, इवन दो वो बंदा आपको ग्रुप पे या फिर किसी को भी ग्रुप पे कोई मैसेज भेजता है। तो अगली ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली व्हाट्सएप के वॉलपेपर्स के बारे में। तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके व्हाट्सएप के वॉलपेपर्स पे आओगे तो आपको काफ़ी सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप अपने वॉलपेपर गैलरी से या फिर सॉलिड कलर या फिर व्हाट्सएप की लाइब्रेरी से सेलेक्ट करके आप इसे लगा सकते हो अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड पे, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। चाहे तो आप व्हाट्सएप की लाइब्रेरी से भी वॉलपेपर लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी है, ट्राई करना। ओके गाइस, तो यार व्हाट्सएप के स्टिकर्स तो आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग व्हाट्सएप के स्टिकर्स भेज, तो अगर आपका मनचाहा स्टिकर्स यहाँ पे है नहीं और आपको डाउनलोड करना है तो यार आप प्लस के आइकन पे जाके नीचे गेट मोर स्टिकर्स का एक ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर से काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टिकर्स डाउनलोड कर पाओगे। अगर आप चाहते हो थोड़े सरकास्टिक टाइप मीम्स वाले स्टिकर्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे भी डाउनलोड करके अपने दोस्त दोस्त को भेज सकते हो, फ्रेंड्स को भेज सकते हो और इम्प्रेस कर सकते हो। जस्ट आपको करना ही होगा, आपको इसे डाउनलोड करना होगा एंड देन इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद स्टिकर्स की लिस्ट आपके सामने होगी, उसे आप अपने व्हाट्सएप में ऐड कर दो एंड देन आप उसे भेज पाओगे। ओके गाइस, तो अगर आप अपने स्टेटस व्हाट्सएप के नहीं चाहते किसी किसी को दिखाना, तो फिर आप स्टेटस प्राइवेसी पे आके अपने मन चाहे फ्रेंड्स को सेलेक्ट करके उन्हें ही दिखा सकते हो जिन्हें आप चाहो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखें। तो गाइस, अगर आप ब्लू टिक दिख देख के बोर हो गए हो तो अब अपने सेटिंग के प्राइवेसी में आके रीड रिसिप्ट को ऑफ कर दो एंड देन आप किसी को भी मैसेज भेजो तो आपने जिसे भेजा है उसे लगेगा कि आपने उसका मैसेज अभी तक रीड नहीं किया है एंड इससे शायद वो इरिटेट भी हो सकता है। मजाक कर रहा था। ओके गाइस, तो जो आखिरी ट्रिक है वो दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है और इसमें आप लोगों को करना ये होगा कि आपको मेरे चैनल पे जाना होगा, जाके सब्सक्राइब करना होगा गाइस, रेड कलर का बटन दबाना होगा मसालेदार वीडियोस के लिए। ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, आज के शेड्यूल में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आप नए हो तो पुराने हो तो लाइक कर देना यार, और मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में। देन हैव अ ग्रेट डे, पीस आउट, बाय बाय।